नमस्कार, मैं अखिलेश जैन। कुछ लोग गायन की शुरुआत करना चाहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हमारा गला ठीक नहीं चल रहा है, अब इसे हम कैसे सुधारें। सबसे पहले गायन में जरूरी है लय, उसके बाद में दूसरी चीज है स्वर। तो पहले लय आपकी कंप्लीट हुई, उसके बाद में आते हैं सुर पर। तो ये सुर को कैसे डेवलप किया जाए। अब सुर में सबसे पहले जब ये गाना है, जब दीप जले आना, तो ये मान लो एक गीत है, मान लो जब दीप जले। अब ये जब स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्ट करते हैं जब दी दी, ये पिच से वहां तक गए। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, पिच समझ रहे हैं कि वो कितना ऊपर है कितना नीचे है। उसके आधार पर हम एक गीत को पहले एक-एक शब्द को ध्यान से सुन के उसी के अनुसार अपने स्वर को वहां तक ले जाएंगे। प्लेबैक सिंगर बनना है तो लाइव परफॉर्मेंस में थोड़े बहुत सुर इधर उधर छूट जाए तो चल जाता है, लेकिन अब हमें कहीं रिकॉर्ड करना है सॉन्ग। अगर हमने कंसुरी आवाज में हमने कहीं रिकॉर्ड कर दिया, हालांकि आजकल सॉफ्टवेयर आ गए कि आपकी आवाज को ट्यून करके वो आगे बढ़ा दे, जानकारी अगर वो रिकॉर्डिंग करने वाले बंदे को नहीं पता है तो आपकी आवाज इतनी खराब, यानी जब आप गलती करते हैं तो वह गलती सब लोगों तक पहुंचती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि गाने को आपको प्रॉपर तरीके से उसके जो नोट्स है, उसके जो सुर है, वो सही सही लगे। कोई गीत हम जब शुरुआत करते हैं तो कभी कभी हम जल्दबाजी में, कोई भी अच्छे से अच्छा कुशल गायक भी गलती करता है कि जल्दबाजी में उसकी ब्यूटी, उस गीत की ब्यूटी को भूल जाता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ, जैसे मैंने किया चंदन सा बदन। अब ये बदन, ये न जो लास्ट में मेरा उतरा है, ये मैंने कंसुरा गाया चंदन साबदन। तो ये स्टार्टिंग में पहले आपको एक स्केल चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप क्या सही गा रहे हैं या नहीं गा रहे। पहले देखिए चंदन साबदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना, मुझे दोष न देना जग वालों, मुझे दोष न देना जग वालों, हो जाऊं अगर मैं दीवाना। ऐसे ही तैयार करते करते हम अन्य गीतों को तैयार करेंगे। अब जब ये गीत तैयार हो गए तो जब आप कहीं पर भी परफॉर्मेंस करते हो, सबसे पहले गीत को गाने के लिए भाव जरूरी है। कभी कभी कोई मस्ती भरा गीत है और आप उसको सेड मोमेंट में गा देंगे तो काम नहीं चलेगा। लाइव परफॉर्मेंस में जहां आपकी पूरी बॉडी परफॉर्म करती है, वहीं पर स्टूडियो में सिर्फ और सिर्फ आपका स्वर परफॉर्म करता है। इसलिए आपको स्टूडियो में गाने के लिए स्वर के रियाज की बेहद जरूरत है। तो रियाज के लिए मुझे एक किसी ने पूछा कि सर कैसे रियाज करें, कितना रियाज करें। तो मैंने एक ही बात कही कि मछली का बच्चा पूछ रहा है कि पानी में कब तक रहना है, मतलब आपको रियाज कंटिन्यू करना है और पूरे दिल से, पूरे श्रद्धा भाव से। आप खुद अपने आप को डेवलप पाओगे उस क्षेत्र में जिसमें आप आगे बढ़ना चाहते हैं, और निश्चित ही अगर आपका रियाज है तो आपका राज है। आप शुभकामनाओं के साथ, आपका अखिलेश जैन। जय हिंद।